أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. इससे पहले आयत के अंदर बनी इसराइल का जिक्र था और अब यहां से बनी इस्माइल का जिक्र शुरू हो रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और छोटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिनका लकब है इसराइल, तो वो सारा बनी इसराइल कहलाता है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इस्माइल कहलाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई तरह से आजमाया, बड़े हालात से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, तरह तरह की आजमाइशें फरमाई और फिर आजमाइशों के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे इनामात से नवाजा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली आजमाइश के जब अल्लाह की दावत दी, एक होने की दावत दी और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया तो लोग दुश्मन हो गए, यहाँ तक के बाप भी दुश्मन हो गया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तरह तरह की तकलीफें पहुंचाने की कोशिश की और आग में भी डाला गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। उसके बाद में मिस्र पहुंचे। मिस्र के अंदर जालिम बादशाह ने बेइज्जती हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और इज्जत पर हाथ डालना चाहा, अल्लाह ने वहां भी हिफाजत फरमाई। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस्माइल और बीबी हाजरा को एक खुले मैदान में छोड़कर आए, तो फिर वहां पर उस मैदान में भी छोड़ा और जहां पर कुछ भी नहीं था, किसी तरह का कोई सामान नहीं, तो इस पर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह के हुक्म को पूरा किया। उसके बाद में जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो फिर अल्लाह ताला ने कुर्बानी मांग ली। तो इस अल्लाह के इस हुक्म को भी पूरे करने की कोशिश की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों खुशी खुशी इस काम के लिए मैदान में उतर गए। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह फिदिया अता फरमाया, हजरत इस्माइल को बचा लिया। तब ये सारी कुर्बानियां देकर और सारे इम्तिहानों में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास हो गए तो अल्लाह ताला ने कहा हम तुम्हें पेशवा बनाएंगे, तमाम लोगों का इमाम बनाएंगे। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया, तमाम लोगों का पेशवा बनाया।
बेशुमार अंबिया और रसूल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नस्ल में आए। हजरत इब्राहिम के बाद जितने भी नबी और रसूल आए वो सारे के सारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थे, चाहे वो बनी इसराइल हो चाहे बनी इस्माइल हो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में पैदा हुए। तो जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें पेशवा बनाऊंगा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी औलाद में से भी पेशवा बना दो, इमाम बना दो, किसी को ओहदा दे दो। अल्लाह ताला ने कहा आपकी औलाद में भी इसी बनाएंगे लेकिन जो नाफरमान है उनको ये मनसब नहीं मिलेगा। और जब आजमाया इब्राहिम उसके रब ने कई बातों में, फिर उसने वो पूरी की तब फरमाया तुझको बनाऊंगा सब लोगों का पेशवा। बोले हजरत इब्राहिम और मेरी औलाद में से भी फरमाया नहीं पहुंचेगा मेरा करार जालिमों को। وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क के शाम के रहने वाले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल और हाजरा को यहाँ तक पहुँचाया मक्का की वीरानी जगह के अंदर। तो उस वक्त बेतुल्ला एक टीले की शक्ल में था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, अल्लाह ने अपने घर को उठा लिया था और उसकी बुनियादें कायम थी और उस पर जब बारिशें आई और बारिश के पानी की वजह से वहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी जमा होती रही और वह एक टीला नुमा बन गया। तो अल्लाह पाक ने फिर यहाँ पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद एक कौम को आबाद किया और इस जगह को तमाम लोगों के इकट्ठा होने के लिए एक मरकज करार दे दिया कि यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होंगे और इसको अमन की जगह बना दिया। और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और वहीं जो कबीला था जुरहुम के कबीले की लड़की से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि बेतुल्लाह की तामीर करनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साथ दिया और बेतुल्लाह की तामीर की। तो वहां पर एक पत्थर था मकाम इब्राहिम जिसको कहा जाता है। तो जब बुनियादें ऊपर हो गई और हजरत इब्राहिम का हाथ नहीं पहुंच पाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से ये पत्थर लेकर आए। तो इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर आगे की तामीर की, आगे दीवारें और बनाई। तो ये पत्थर के अंदर ये तासीर थी कि ये अल्लाह के हुक्म से ऊपर नीचे होता था। जब जरूरत पड़ती थी ऊपर होने की तो ये पत्थर ऊपर हो जाता था, जब नीचे की जरूरत पड़ती थी तो ये नीचे छोटा हो जाता था। आज भी ये पत्थर मौजूद है, ये कई दिनों जमानों तक ये पत्थर बेतुल्लाह के अंदर रखा रहा। बाद में ज़माने जाहिलियत के अंदर ही कुफार ने इस पत्थर को
बेतुल्ला से चंद फासले पर इसको रख दिया और आज भी वही ये कायम है और इसकी तरह यानी एक गुंबदनुमा बना हुआ है, शीशा लगा हुआ है, लोग इस पत्थर को देखते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान आज भी उस पत्थर के अंदर है और ये एक मौजज़े के तौर पर अल्लाह ने जो है रखा है कि लोगों को आने वाले को पता चल जाए कि पत्थर है और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निशान के कदम के निशान है। तो फिर वहां पर अल्लाह ने यानी उसको नमाज की जगह बनाने के लिए कहा है कि मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ यानी उसके पास में नमाज पढ़ो। तो तवाफ के बाद में दो रकात अदा की जाती है तो हुक्म यह है कि मकाम इब्राहिम के पास पढ़ो तो वहां पर ज्यादा फजीलत है। लेकिन अक्सर उलमा ने और अक्सर फुकहा का ये फैसला है कि पूरा हरम मकाम इब्राहिम है, जहां भी वो दो रकात नमाज अदा की जाएगी तो यही फजीलत सबको मिलेगी। इसलिए अगर वहां पर नमाज पढ़ने की गुंजाइश ना हो तो आदमी को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को देखा है कि वहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं, लोग तवाफ करते रहते हैं, भीड़ की वजह से लोग ऊपर जो चढ़ाई करते रहते हैं और नमाज पढ़ते हैं, ये गलत तरीका है। पूरा हरम बहुत खाली रहता है, जहां भी है आदमी नमाज पढ़ ले तो ये फजीलत मिल जाएगी। और जब मुकर्रर किया हमने खाने काबा को इज्तिमा की जगह यानी इकट्ठे होने की जगह लोगों के वास्ते और अमन की जगह बनाया और बनाओ इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह और हुक्म किया हमने इब्राहिम और इस्माइल को कि पाक कर पाक रखो मेरे घर को तवाफ करने वालों के और एतकाफ करने वालों के वास्ते और रुकू और सजदा करने वालों के वास्ते। तो ये खिदमत बनी इस्माइल को सपुर्द की गई और आज भी ये बनी इस्माइल को सपुर्द है कि मक्का की तवलियत यानी मुतवल्ली होना और मुतवल्ली ही की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के घरों को पाक रखे। अगली आयत के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि इस शहर को अमन वाला बना, क्योंकि चटियल मैदान था, कुछ भी नहीं था, ना कोई दरख्त है, ना पानी का नज़म है। बाद में जमजम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा के तड़पने पर कि जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया, पीने के लिए कुछ नहीं है, तो हजरत हाजरा दौड़ती रही सफा और मरवा का चक्कर लगाया और बीच के अंदर जो है एक रफ्तार के साथ दौड़ी कि इस्माइल जल्दी से नजर आ जाए। इस्माइल की तड़प पर जब सफा से मरवा की तरफ चली तो चंद कदम धीरे धीरे चली है, उसके बाद में हजरत इस्माइल की मोहब्बत दिल में समा गई तो तेजी से वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। फिर मरवा तक चली है, फिर मरवा से वापस धीरे धीरे चली है, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में आई कि मैं अपने इस्माइल को जल्दी से देखूं, तो फिर वहां से जो दौड़ यानी तेज चलना शुरू किया है। इस तरीके से सात चक्कर जो हजरत हाजरा ने लगाए हैं और ये अल्लाह ने इसको यादगार बनाया और हाजी के लिए रुकन बना दिया, उमरा करने वाले और हज करने वाले के लिए कि सात चक्कर जब तक ना लगा लेंगे तो ना तो उसका उमरा काबिल एतबार होगा ना उसका हज काबिल एतबार होगा। उसके बाद में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर मारा और हजरत इस्माइल के एड़ियों के नीचे से चश्मा जारी किया जमजम और फिर पानी को देखकर ये कबीले जुरहुम वहां पर पहुंच गया और ये आबाद हो गया। उसके बाद में ताइफ से फल फ्रूट आने शुरू हो गए और ये एक शहर बन गया और ये आबाद हो गया। यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी।
वहां पर तो कोई खेती नहीं, कोई बागात नहीं, पूरी दुनिया भर में जितने फल होते हैं वो सारे के सारे आज मक्का की जमीन पर मिल रहे हैं कि ये हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की दुआ का समरा है। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إلى عذاب النار وبئس المصير। और जब कहा इब्राहिम ने, ए मेरे रब, बना इसको शहर अमन का, अमन वाला शहर बना, और रोजी दे इसके रहने वालों को मेवे, जो कोई उनमें से ईमान लावे अल्लाह पर और कयामत के दिन पर। फरमाया अल्लाह ने, जो कुफर करे उसको भी नफा पहुंचाऊंगा, थोड़े दिनों फिर उसको जबरन बुलाऊंगा दोजख के आजाब में, और वो पूरी जगह है रहने की। पीछे हजरत इब्राहिम अल्लाह ताला ने कहा कि मैं आपको पेशवा बनाऊंगा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मेरी औलाद में से भी, मेरी औलाद को भी ये नेमत अता कर। तो अल्लाह ने यहाँ कहा कि ये नफा सबको पहुंचेगा मगर नाफरमानों को नहीं पहुंचेगा। तो ये तो दीनी बात थी और एक ओहदे की बात थी और आखिरत के एतबार से ये बात थी। बाद में तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर ये समझे कि दुनिया और आखिरत दोनों का, दोनों को जो नफा मिलेगा वो ईमान वाले ही को मिलेगा, तो इसलिए दुआ खास तौर ईमान वालों के लिए की है कि दे उनको रिज़्क खाने की चीजें, ईमान जो रखे अल्लाह पर और कयामत के दिन पर। तो अल्लाह ने कहा कि दुनिया के अंदर तो सबको ही नफा मिलेगा, चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो, दुनिया की नेमतों से सारे फायदे उठाएंगे। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि जो नाफरमानी करेंगे उसको भी नफा पहुंचाओ दुनिया की चीजों का, दुनिया की नियमतों का, खाने पीने के अंदर। ये नहीं है कि हम मुसलमानों को तो अच्छा खिलाएंगे और काफिरों को कुछ ना देंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर मेरी नियमतों से सब नफा उठाएंगे, लेकिन जो छटाई होगी वो आखिरत के अंदर होगी। मानने वालों को जन्नत दे दूंगा और ना मानने वालों को।